ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर 7 एसी की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज जो अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी उसके मुताबिक कर रहे हैं। ये पेज 200 है, तो जहां ओल्ड बुक में पेज 266 है वहां क्वेश्चन 7.8 है, 8 क्वेश्चन है, वहां 7.6 निकाल दिया गया क्वेश्चन, 7.8 निकाल दिया, 7.10 निकाल दिया, तो 7.6 जिन 7.7 बन गया, 7.9 7.7 बन गया, 7.11 7.8 क्वेश्चन बन चुका है। लो शुरू करते हैं 7.1 क्वेश्चन। 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। बी पार्ट है व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। लो ए पार्ट, रजिस्टेंस रजिस्टर की दी हुई है, जैसे ये सर्किट है, ये रजिस्टर सर्किट में है, 100 ओम 220 वोल्ट सप्लाई दी हुई है, रजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर आर इज इक्वल टू 100 ओम, वोल्टेज जी आरएमएस वोल्टेज ही होती है जो देते हैं 220 वोल्ट, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जी फार्मूला हमें पता ही है, वी इज इक्वल टू आई आर, आई वी इज इक्वल टू वी वी बटा आर, ओम चला के मुताबिक 220 वो बटा 100, तो इसे लेते हैं काट, तो जी ऐसे काट लो, आगे काटने की जरूरत नहीं, डेसिमल लगा लो, 2.2 एम्पियर आ गया। पावर कंज्यूम्ड इन फुल साइकिल वो फार्मूला, वोल्टेज इनटू करंट, ये आरएमएस वैल्यू है दोनों ही, 220 इनटू 2.2 पावर, इसका 22 बटा 10 कर लो, डेसिमल का 10 नीचे, अब काट दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 84 2 × 44 2 × 44 तो 448 484 वाट आ गया, इतनी पावर कंज्यूम होगी। अगे 7.2 क्वेश्चन, अ पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन एसी सप्लाई 300 दी है, आरएमएस वोल्टेज निकालनी है। बी पार्ट में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। लो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन एसी, तो वो इसे वी नॉट लिखते हैं, वो कितनी दी हुई है, जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू को हम वी नॉट से, वी एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वी नॉट से 300 वोल्ट, आरएमएस वैल्यू इसका हमें फार्मूला ही है, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में क्या फर्क है, ये इक्वेशन बनती वी नॉट बटा अंडर रूट टू, अंडर रूट टू की वैल्यू ऐसे भी लिखते हैं 0.707, 1/√2 को आप सॉल्व करोगे ना तो इतनी वैल्यू बननी है, वी नॉट आ गया ना साथ में, अब वी नॉट की वैल्यू जे पुट कर दो, 0.707 × 300 707/1000 नीचे आ गया डेसिमल का 300, लो जे 2 शून्य काट दो, इसका डेसिमल लगा देते हैं, इससे मल्टीप्लाई करके 2121 बन गया, डेसिमल लगा दो 212.1 वोल्ट, जीरो भी लगानी लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 212.10 वोल्ट, चाहे 212.1 वोल्ट लिख लो। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, करंट निकालनी है, दी हुई है, जे दी हुई है करंट की वैल्यू 10 एम्पियर, देखो लिखा हुआ है, पीक वैल्यू निकालनी है, आई वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 आई नॉट, अगर आई नॉट निकालते हैं तो ये नीचे चल जाता है आपको पता ही है, तो ये अंडर रूट 2 आई नॉट होगी, आई अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414, आई नॉट हमें 10 है, मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल एक डिजिट राइट की तरफ चल जाएगा, 14.14 एम्पियर, जी आरएमएस वैल्यू करंट आ गई।